बिल्कुल सही है, कई जगह में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको आखिर में जो प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रहा है 1:10, ये भी सही है। आपने 6300 ये जो यूज किया अमाउंट, ये भी सही है। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है जो कार्बन सोर्स आपने डाले उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, वहीं गड़बड़ है। अगर लो क्वालिटी बिलो क्वालिटी आपने मोलासिस यूज किया तो पता चला उसमें हार्डली 10% कार्बन है, तो आपका देखो उतने में काम होगा नहीं। इसीलिए आपको बार बार बोल रहा है प्योर क्वालिटी आपको मोलासिस उसको भी पहचानना चाहिए। अभी जॉय भी लेके आया प्योर, कल दिखाएंगे आपको प्योर क्वालिटी कैसा है, वो चीज इतना स्ट्रांग है और कैसे पहचान हो, और उसमें बिल्कुल आपका मिक्सन रहेगा जो 75% या 80%। अगर 80% उसमें कार्बन है, आप मेरे को कैलकुलेशन करके बताओ कितना मोलासिस चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो मोलासिस हमको मिला उसमें कितना है, 80% कार्बन है। देन आपको असली कैलकुलेशन करके ये बताना पड़ेगा ये फाइनल कैलकुलेशन कितना बैठेगा। ये 6300 नहीं आएगा, अब वो आप बढ़ जाएगा। कितना हो रहा है, 8 किलो फिगर कितना, आप ही बता दो। 7.75 ओके ठीक है, 7560 ठीक है। तो आप देखिए हमने अभी तक क्या यूज किया उसको 6300 यूज करते किया, जबकि देखो ये आपका कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वही चीज आपको थोड़ा सा ये सब चीज ध्यान देना पड़ेगा। आप जो कार्बन यूज कर रहे हो उसमें, मतलब मोलासिस यूज कर रहे हो उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना, वो परसेंट देखना होगा।